बन गई आपकी टोकरियां साईं। अब मुझे उदी देंगे ना साईं? ये लीजिए। शुक्रिया साईं। रुको। जी साईं। ये एक टोकरी मेरी तरफ से रख लीजिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। और ये कचरा इसे रास्ते में किसी उचित स्थान पर फेंक दीजिएगा। जी। चलती हूँ साईं। बाबा, आप इन बीजों को छुपा क्यों रहे हो? ताकि किसी को ये पता ना चले कि इस साल हम अपने खेत में क्या बो रहे हैं। और हाँ, तुम्हें भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या भाई, तुमने तो पहले से बीज लगाना चालू कर दिया। नहीं भाई, अभी कहाँ, मैं तो इसी उधेड़ बुन में हूँ कि इस साल फसल में क्या लगाओ। तुम क्या लगा रहे हो इस साल? अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये भी उसी के बीज ना खरीद के ले आए। मैं भी भाई तुम्हारी तरह बस यही सोच रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे भी खेत में बहुत काम है। हाँ ठीक है। देखा नंदलाल,
एक वक्त था जब ये सब एकजुट होकर खड़े रहते थे और आज सब अलग अलग है। खाओ। और सब बढ़िया जी? नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक हूं। क्या बोने वाले हो? किसी को बताइएगा नहीं? आप ठीक थे साहब, इन लोगों ने एक दूसरे से बातें छुपानी शुरू कर दी है। नंदलाल, मैंने इन सब के मन में जो लालच का बीज बोया था, आज उसी बीज की बदौलत ये नफरत की फसल लहला रही है। आओ। कौन सी फसल लगा रहे हो? बाजरा नहीं, ज्वार। तुम कौन? मैं इनका छोटा भाई हूं। एक कहता है ज्वार, एक कहता है बाजरा, कौन सी फसल बो रहे हो भाई? खेत किसका है तुम्हारा? ये खेत मेरा है और यहां मैं अकेले काम करता हूं और यहां मैं बाजरा लगाऊंगा। ठीक है, आओ नंदा। लेकिन भाईजान, हमने तो सोचा था कि आप ज्वार की खेती करने वाले हैं। देखो सलीम, मैं सालों से खेती करता आ रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि यहां क्या करना जरूरी है, तो वो मैं कर लूंगा। तुम जाओ और रजाई के कारोबार में अपना ध्यान दो। लेकिन भाईजान आप, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यहां बहुत काम है और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बहुत मसरूफ हो। आज भाईजान को हो क्या गया है? ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से बाजार जाके साईं की दी हुई उदी गाड़ी वाले को देनी होगी, ताकि ये उदी मेरे मायके वाले को वो पहुंचा दे। ये टोकरी अचानक से भारी कैसे हो रही है? मेरे तो हाथ दर्द होने लगे। बंदे हैं हम साथ। आपको उदी जरूर दूंगा, पर क्या आप ये टोकरियां बनाने में मेरी मदद करेंगी? सबका मालिक है। और ये कचरा रास्ते में कहीं किनारे रख दीजिएगा। सबूरी रख कर काम किए जाने कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी, एक नजर रहे। राम राम आई बस। क्या बो रहे हो अपने खेतों में? मक्का, शहर से उन्नत बीज लाया हूं। इसने तो कहा था कि अभी ये सोच रहा है, झूठ कह रहा था मुझसे। अच्छा, या तुम क्या बो रहे हो? अभी तक तो बीज नहीं लाया, पर मक्का ही बोऊंगा। दोनों के खेत अगल बगल में और दोनों ही मक्का बोओगे? तुम क्यों मेरी देखा देखी कर रहे हो धनीराम?
तूने तो कभी मक्का नहीं बोया अपने खेत में, इस साल क्यों बो रहा है? क्योंकि वो मेरा खेत है, मेरी मर्जी, मुझे जो लगाना होगा मैं लगाऊंगा। और वैसे तू कह रहा था कि अभी तक तूने कुछ सोचा नहीं है, तो तू मुझे कुछ नहीं कह सकता। तुझे जो उगाना है उगा जा। ए चंदू, मजदूरों को भेज, मेरे खेतों में काम करने का समय हो गया है। चलो आओ, मेरे खेतों में काम करना शुरू करो। ऐसे कैसे शुरू करो? आधे दिन की मजदूरी दी है इन सबको मैंने, और अभी आधा दिन हुआ नहीं है, इसलिए ये सब लोग मेरे साथ ही काम करेंगे। खेतों में काम करा के भी क्या हासिल होगा तुझे? तेरे पास तो बीज खरीदी करने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरा समय बर्बाद मत कर, मैंने भी मजदूरों को पैसे दिए, चुपचाप उनको मेरे खेतों में भेज दे, समझा? मैं भी देखता हूँ तू उनको कैसे नहीं आन देता मेरे खेतों में। तुम तो यार मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मेरे खेतों में काम करना शुरू कर दो। खबरदार जो जबरदस्ती मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। चल भाग यहाँ से, मुझे धक्का देता है। अरे ये तो आपस में लड़ पड़े, बहुत बुरी बात है। देर से आने वाले थे, अच्छा किया जल्दी आ गए। पता है आज मैंने पुलाव बनाया है, सुल्तान भाईजान को बहुत पसंद है ना, उन्हें दे आइएगा। ये लीजिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं, आपकी बदौलत सालों बाद इसे, लेकिन मेरे माता पिता और भाई बहनों को ये पता चलेगा कि उन्हें भोली नहीं हूं मैं। राम जी भला करे। अचानक वो आपसे इतना गुस्सा क्यों हो गए? ये पूछना चाहिए था आपको उनसे। कल तक तो बहुत जोर डाल रहे थे कि दोनों भाई साथ चलकर ही बीज खरीदेंगे, फिर आज अचानक आपको खेते से हटा दिया। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया आपसे? हाँ, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं रहा ना, वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई वालिद की तरह होता है। देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो हुआ उसकी असल वजह हमें मालूम होनी चाहिए? ये कोई मामूली बात नहीं है। सुल्तान भाईजान ने आपको मुश्तैनी पेशे से हटा दिया है, खेती से हटा दिया है। अगर इस मन मोटाव की असली वजह आपको मालूम नहीं होगी तो ये बात हम सबको अंदर ही अंदर खाती जाएगी।
न जाने क्या गलत फहमी हो गई आप दोनों भाइयों के बीच। खुदा ना खास्ता कहीं ये गलत फहमी हमारे बच्चों के बीच आ गई तो। आप दोनों में खून का रिश्ता है, दोनों भाई भाई हैं। सुल्तान भाई जान वो तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सब हुआ। इसकी इसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रही होगी। देखिए अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो हमें उसे दूर करना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेंगे उनसे, उसे सुधार लेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो रियाना, चलकर उनसे मिलते हैं। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, मैं पुलाव ले लेती हूँ। क्या है ना, पेट भरा रहेगा तो बात भी सुकून से होगी। मानना पड़ेगा, गजब की पसंद है दादा की। बस एक को छोड़ के। वैसे वहीनी, जब तुम्हारे मायके से एक भी भेंट या उपहार नहीं आता है तो बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें, है ना? वैसे वहीनी, अधिक मास में गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को उपहार भेजता है। अब इतने भी गरीब नहीं है तुम्हारे मायके वाले, नहीं? क्या सच में वहीनी इतने सालों में दादा के ससुराल से एक भी भेंट नहीं आई है? बड़े भी निर्लज है सबके सब। और वहीनी वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा अभी। अरे उसकी तो शादी भी हो गई होगी। वैसे कितने साल हुए उसे देखे हुए? मजदूर किसके खेत में पहले काम करेंगे, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। यह सब उस प्रतियोगिता की वजह से हो रहा है। साई 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 साई, आप ये काम क्यों कर रहे हो? इसे छोड़ दीजिए साई। क्यों छोड़ दूं? अगर लड़ाई मजदूरों से काम कराने के लिए है तो मैं एक मजदूर बनने के लिए तैयार हूं। बताइए बताइए क्या काम करना है मुझे? मैं दिन रात काम करूंगा, खेत की जुताई से लेकर बुआई तक, बुआई से लेकर निकाई तक, खाद पानी सब कुछ करूंगा मैं। लेकिन आप लोग झगड़ा करना बंद कर दीजिए। साई, हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं। साई हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन साई आप ये कुदल चलाना छोड़ दीजिए। हाँ साई, कृपा करके आप ये काम छोड़ दीजिए। आपको ऐसे काम करते हुए देख हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है साई, आप ये काम करना छोड़ दीजिए साई। और जब आप सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे
तो अच्छा लग रहा था। क्या हो गया है आप सबको? इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हैं आपस में? आप सब किसान हैं, सरल हृदय के लोग हैं आप लोग, इसलिए आपको बहका देना, आपका शोषण करना आसान होता है। पर आपकी सुरक्षा आपकी एकता में है, ये बात कैसे भूल सकते हैं आप लोग? कहां गया शिरडी वासियों का आपसी प्यार, आपसी सम्मान? साई, 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 पाटिल जी ने आपके लिए खबर भेजी, सलीम और सुल्तान के बीच लड़ाई हो रही है। साई, साई जल्दी चलिए, संतराम और काशीबाहू के बीच लड़ाई हो गई है। खेलने जाओ। बेटा, तुम्हारे पिताजी को आ जाने दो, उनसे पूछकर चले जाना। माँ, मैं घर में रहकर ऊब गया हूँ, अंदर बैठे बैठे घुटन सी होती है, और आप भी अपने कामों में व्यस्त रहती है। पिताजी के लौटने तक बताइए मैं क्या करूँ? वही नहीं, केशव, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। आपके साथ? आप लोगों को खेलना आता है? केशव रुको, सरकार की सेवा में आने से पहले हम लोगों के पास एक ही तो काम था, दिन भर खेलना कूदना और उधम मचाना। खेलने के सिवा हमने किया ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए खेलते, पर खेले क्या? आंख में चावली खेले? नहीं नहीं, उसके लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी में तो मेरे पसीने छूट जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। क्या खेलें? हाँ, कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलते हैं। हाँ, ये ठीक कहा अंता जी। चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, बकरी उड़। कौवा उड़। आप धीरे धीरे सोच सोच कर बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मेरे पास जितने नाम थे मैंने बोल दिए, अब किसका नाम लूं? फिर ठीक है, मैं बोलता हूँ, चिड़िया उड़। मेरे तो इसमें भी पसीने छूट रहे हैं बंता जी। कौवा उड़, मैना उड़, चप्पल उड़। अरे अंता जी, आप तो हार गए, चप्पल क्या उड़ने वाली चीज है? बंता जी, उड़ती है चप्पल, मैं सच कह रहा हूँ। हार गए तो बहाना मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। एक बार सरकार ने हमें चप्पल फेंक के मारी थी, है ना बंता जी, याद है ना? वो चप्पल हमारी तरफ उड़ती हुई आई थी। भाईजान, भाईजान मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे मुझे एक और लफ्ज सुनना, क्योंकि तुम झूठ के सिवा कुछ और नहीं बोलोगे। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे? तुमने नहीं कहा कि तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है, जबकि तुमने एक नहीं 20 कंबल बेचे हैं। हाँ भाईजान, लेकिन आप मेरे लेकिन लेकिन छोड़ो, और खबरदार जो अपनी इस फरेबी जुबान से मुझे भाईजान कहा तो। आप सुल्तान भाईजान ये क्या कह रहे हैं? आप रोकिए उन्हें। मैं क्यों रोकूं? और वो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए ना, दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा रुक ही नहीं रहा। लेकिन ये लड़ किस बात पर रहे हैं? सुल्तान भाई हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कंबल के कारोबार का सारा मुनाफा
हमने उनसे छुपा लिया है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं ना बाईजा अक्का कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। पाटिल जी आप ही कुछ समझाइए ना। सुल्तान सलीम की पूरी बात तो सुन लो, वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, उसे बोलने तो दो। पाटिल जी देखिए हमारे घर का मामला है, आप खुदारा इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है ये हमारे घर का मामला है ना, तो आप भी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। असलम के निकाह के लिए जितने फिक्रमंद आप हैं उतना मैं भी हूँ, अगर नहीं होता ना तो उस दिन आपको पैसे नहीं देता। ओ, अपने बड़े भाई को पैसे देकर एहसान जता रहे हो तुम हा? असलम के निकाह के लिए तुमने पैसे दिए थे ना? भाभी जान आप समझाइए ना भाई जान को। ये ले अपने पैसे, नहीं चाहिए तेरी खैरात मुझे। भाईजान ये आप ठीक नहीं कर रहे, और तुम लोग जो चालाकी कर रहे हो हमारे साथ क्या वो ठीक है? हमने कुछ गलत नहीं किया है आपा। कैसे खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं दोनों मियां बीबी, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाईजान आपको जो कहना मुझसे कहिए, लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से पेश मत आइए। ओ बुरा लग रहा है तो फिर क्यों खड़े हो तुम दोनों यहाँ पे? मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहाँ पे, झूठे मक्कार, दफा हो जाओ यहाँ से। रिश्तों की महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख इनके प्यार इनकी एकता को देखो, क्योंकि एकता एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। खुदा के लिए आप लोग लड़ाई बंद कीजिए, ये घर है अखाड़ा नहीं। और चाचा जान आप असलम, असलम मेरे बेटे पे हाथ उठाया तूने, तेरी इतनी जुर्रत, दफा हो जा यहां से, निकल। आपा, आपा। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। बहुत बेवकूफ बना आप दोनों ने हमें, अब और नहीं। साई अब तक क्यों नहीं आया? उसे बुलावा भेजा था, कहाँ रह गया वो? ये सब शिरडी में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? हाथ को जानबूझकर खराब किया तूने। अरे तूने ही किया है, अरे तूने किया है, अरे तूने ही किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बीज मेरा है। पर तुमसे पहले मैंने खरीदा है। मेरे से मंगवाया तो मैंने था। मैं नहीं दूंगा तो। ये बीज मेरा है ना। तुमने गिरा दिया। ये क्या करे तुम लोगों ने? तुमने मेरे घर से बीज गिराया मेरा। देखो इस बैल से पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने कहा ना मैं जुताई करूंगा। पहले मैं करूंगा वो। मैंने कहा ना शांत हो जाओ। पहले मैं करूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो?
पहले खाना मैं करूंगा, जुताई करूंगा। मैंने बताया तुझे, पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने बताया ना तुझे। नहीं, पहले मैं करूंगा। इस फाइल से पहले मैं जुताई। नहीं नहीं, मैं करूंगा पहले। मैंने कहा ना साई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उस 1000 रुपए के चक्कर में हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि लोग अपनी इंसानियत ही भूल जाएं। पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई भाई आपस में ऐसे लड़ने लगेंगे तो चिंता तो होगी ना साई? साई, जल्दी हमें कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिरडी बहुत ही जल्द युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। आप सब ऐसा करिए, कल सुबह गांव से आते हुए सारे किसानों को द्वारका माई में बुलाइए।